Hi student, welcome to RCI Edu Hub online classes, Wealth Biology, Chapter 24, Blood Circulatory System of Human, Topic, Blood Group, Rudhir Sam. यहाँ पर इसकी वंशागति के बारे में अध्ययन करेंगे. रुधिर की वंशागति जो होती है, इसके बारे में सबसे पहले 1924 से 25 बर्नस्टीन वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया था. और इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, तंत्र जो है, इसकी वंशागति के बारे में बताया. एबीओ जो तंत्र पाया जाता है, इसमें उपस्थित जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनकी वंशागति के बारे में सर्वप्रथम बर्नस्टीन ने बताया 1924-25 में. और इन्होंने बताया कि एबीओ जो वर्ग समूह है, इनकी वंशागति जो होती है वो 3 जीन होते हैं, उन जीनों पर निर्भर करती है. 3 जीन पाए जाते हैं जिन पर ये निर्भर करती है रुधिर की वंशागति. तो यहां पर एंटीजन ए के विकास के लिए, एंटीजन ए विकास के लिए जो जीन पाई जाती है वो होती है आई ए, या फिर इसको अल्फा ए इसके नाम से भी जाना जाता है. एंटीजन बी के विकास के लिए जो जीन होती है वो आई बी या फिर अल्फा बी, ये हो गए यहाँ पर. इसके अलावा जो प्रतिजन जो पाए जाते हैं इसमें, इसमें वो जो समूह है वो इसके विकास के लिए आई ओ या फिर अल्फा ओ, ये जीन पाए जाते हैं 3 है, यहाँ से आई ए, आई बी और आई ओ. इनके ऊपर निर्भर करती है रुधिर की वंशागति. इसमें यहां पर विकल्प जो होते हैं, आई ए ये रुधिर वर्ग ए के लिए, बी रुधिर वर्ग बी के लिए, आई ए और आई बी ये रुधिर वर्ग ए बी के लिए, और आई ओ ये होता है रुधिर वर्ग ओ के लिए. इसके ऊपर इस प्रकार से इनकी वंशागति होती है. इन जीनों के आधार पर कौन सा वर्ग समूह बनेगा उस पर डिपेंड करता है यहां से. जैसे कि आई ए उसमें रुधिर वर्ग ए, आई बी में बी, आई ए आई बी अगर आता है तो ए बी, और आई ओ अगर है तो इसमें ओ. अब यहां से अगर बात करें इन जीनों में से 2 जीन जो होती है वो तो प्रभावी होती है और 1 जीन जो है वो अप्रभावी होती है. आई ए, आई बी और आई ओ, इनमें से ये दोनों जो होती हैं ये प्रभावी, और आई ओ जो है वो अप्रभावी होती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि आई ओ जो होता है इसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं. प्रतिजन इसमें अनुपस्थित है, इस वजह से ये अप्रभावी होता है और आई ए और आई बी दोनों प्रभावी होते हैं. इन विकल्पों के आधार पर, विकल्प जो है इनके आधार पर मनुष्य के 6 जीन प्रारूप होते हैं. उन 6 जीन प्रारूपों के बारे में हम एक सारणी के माध्यम से अध्ययन करते हैं. देखो, जनक फर्स्ट से प्राप्त है, अपने पास में जनक फर्स्ट है, इससे प्राप्त एलील. जनक सेकेंड से प्राप्त एलील,
इसके अलावा जीन प्ररूप क्या बनेगा दोनों से, जीन प्ररूप क्या बनता है, और जीन प्ररूप बनने के बाद में रुधिर वर्ण, यहां से सबसे पहले जनक फर्स्ट जो है उसमें एल होने की संभावना है, आई ए ये जीन हो सकती है। इसके बाद में सेकंड में कौन सा हो सकता है, समान हो सकता है आई ए, यहां पर आई ए है, इसमें कौन सा हो सकता है आई बी, इसके अंदर आई ए हो सकता है, इसमें आई ओ इसमें हो सकता है। नेक्स्ट इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आई पी आई बी के साथ में यहाँ पर आई ए, जो कि यहाँ पर ये हो चुका है, इसके बाद आई बी के साथ आई बी, आई बी के साथ आई ओ, इसमें थर्ड आई ओ, आई ओ के साथ में आई ओ, इस प्रकार से ये छह एलील हो सकते हैं। अब किस प्रकार से इसमें जीन प्ररूप बनेंगे वो देखेंगे, यहां से जीन प्ररूप दोनों को मिक्स करके यहां लिखेंगे आई ए आई ए, यहां से आई ए आई बी, आई ए आई ओ, आई बी आई बी, आई बी आई ओ, आई ओ और आई ओ। अब रुधिर और कौन सा बनेगा इससे, ए रुधिर वर्ण, यहां से ए बी, यहां पर अब ए वाला जो है ये प्रभावी, ये वाला अप्रभावी, क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित है और इसमें एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो ए जो है वो इस ओ के ऊपर प्रभावी है, इस वजह से ओ का जो प्रभाव है वो दिखाई यहां पर नहीं देगा और बनेगा कौन सा यहां पर ए, इसमें बी। इसी प्रकार से यहां पर बी प्रभावी, ओ अप्रभावी, यहां पर प्रभाव किसका प्रकट होगा, बी का बी, यहां पर दोनों अप्रभावी है, अप्रभावी में इसका ही प्रभाव दिखेगा। तो इस प्रकार से रुधिर वर्ग जो है वो यहां पर प्राप्त होते हैं। एलील पॉसिबिलिटी यहां पर ऐसे है कि आई ए है, आई ए के साथ में कौन सा एलील आ सकता है, आई ए आ सकता है, आई ए के साथ में बी आ सकता है और ओ आ सकता है। इसी प्रकार आई बी के साथ में आई ए यहां आ चुका, बी आई बी के साथ में ओ आ सकता है, आई ओ के साथ आई ओ, तो इस प्रकार से ये जीन प्ररूप बनेंगे और इसके रुधिर वर्ग कौन से हैं वो इस प्रकार से इसमें बनेंगे। धन्यवाद।